अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा हाइड्रोजन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अबाउट हाइड्रोजन और कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज हाइड्राइड हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम उसके दूसरे कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। ये नो इट वेरी वेल अबाउट वाटर, लेकिन मैंने ये कंसेप्ट लिया कि है वाटर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर भी तो वाटर बहुत तरीके के वाटर होते हैं, हेवी वाटर भी होते हैं, हार्ड वाटर भी होते हैं, और हमारा ऑर्डिनरी वाटर भी होता है। तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स ध्यान देते चले, आपको पता है अगर हमारा अर्थ का सरफेस जो है 75% वाटर से घिरा हुआ है, यानी सरफेस में इतनी सारी जगह कवर की हुई है वाटर से, लेकिन ये पूरा हमारे पीने के लायक नहीं है, कुछ हिस्सा है, क्योंकि समुद्री पानी नमकीन होने की वजह से वह हमारे पीने के लायक नहीं होता। इसके अलावा अगर ह्यूमन बॉडी को मैं देखूँ, ह्यूमन बॉडी 60-65% जो है उसकी बॉडी पानी से बनी होती है, और अगर प्लांट बॉडी देखा जाए तो वो 95% जो है वो पानी से बनी हुई होती है। मतलब इसका कि पानी या वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बीइंग और यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि वाटर बहुत अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर मैं वाटर पूछूँ, मैं H2O बोलूँ, नॉट वाटर, H2O में बोलूँ, अगर सॉलिड फॉर्म में यू नो इट वेरी वेल आइस हो सकता है, स्नो हो सकता है, ये सारे एग्जांपल है H2O की सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में हम बोल सकते हैं वाटर, वो वाटर जो रिवर सी वाटर में प्रेजेंट होता है। और अगर मैं गैशियस की बात करूँ, गैशियस वाटर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड और मॉइस्चर। वाटर के स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग, लिखते ऐसा है, मैं अगर ओपन करने बोलूँ तो बनाएंगे भी ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती, स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये ऐसा झुक क्यों जाता है, ये बेंड स्ट्रक्चर क्यों है, 104 degrees 5 minutes इसके एंगल है इन बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो जो हाइड्रोजन की दोनों बॉन्ड है वो बेंड हो जाती है, झुक जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है वाटर का, बीच में एंगल होता है 104 degrees 5 minutes का। ओके, लेकिन ये स्ट्रक्चर किसकी है, H2O की है इन अ लिक्विड स्टेट। अब आपको पता है H2O को जब आप फ्रीज करते हैं तो इट टर्न्स टू आइस, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जब ये आइस में कन्वर्ट होता है ना तो HOH या HOH इसके बीच में हर एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है, या उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, और है ना वो ऐसे पैक जैसा नजर आता है। हम देखें अगर तो वो सॉलिड पैक बनता है, थ्री डायमेंशनल फिगर, लेकिन वो जो है लिक्विड के, लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में उसका स्पेस जो है बढ़ जाता है। हम लोगों ने देखा है, मैं एक लीटर अगर पानी लूँ, वाटर लूँ, H2O लिक्विड स्टेट में लूँ और उसी को मैं फ्रीज कर दूँ तो दोनों के वॉल्यूम में बहुत फर्क होगा। आइस फॉर्म में उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि आइस फॉर्म में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो मतलब के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका स्पेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसीलिए अगर मैं उसी आइस को एक लीटर वाटर में मैं डाल दूँ तो वो आइस फ्लोट करेगा, जो कि हम लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड, फिर भी आइस जो है पानी में तैरता क्यों है, क्यों, क्योंकि आइस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जगह घेरी हुई जगह ज़्यादा होती है, तो वो हमेशा उस लिक्विड पर क्या होती है, तैरती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यू नो इट वेरी वेल कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, और इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो सब्सटेंस ऐड किया जाए वो उसका कलर ले लेता है। एक चीज और, अगर मैं ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, ऑक्साइड्स या हाइड्राइड्स, मैंने H2O लिया, इसी तरीके से मैं बहुत सारे कंपाउंड H2SC बना सकती थी, H2TE बना सकती थी, टेलोनियम, ये सारे हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स ऑफ वाटर है, ऑक्सीजन है सॉरी, ये हाइड्राइड्स ऑफ सेलेनियम, टेलोरियम, ये सारे हाइड्राइड्स है। क्या डिफरेंस है ऑक्सीजन के साथ जब कंपाउंड बनाते हैं और बाकी सबके साथ, इनका सबका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब ज्यादा होता है किसका, वाटर का, इनके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की एबिलिटी नहीं होती है एज कम्पेयर टू वॉट वॉटर। नेक्स्ट हम लोग और क्या बोल सकते हैं, वाटर हैव हाई
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यू नो इट वेरी वेल, वाटर जो है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.84 डिपाई यूनिट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, इसीलिए वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक चीज और, अगर मैं उसी वाटर को आपको बोलूं कि वो प्योर फॉर्म में, प्योर वाटर इट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसको मैं गुड कंडक्टर कैसे बना सकती हूँ इफ आई एम एडिंग सम एसिड एंड बेस और सॉल्ट। अगर उसी पानी में हम लोग कुछ एसिड बेस और सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो दैट वाटर विल टर्न्स टू कंडक्टिंग वाटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो प्योर वाटर नहीं रह गया। अब केमिकल और ये बोल सकते हैं हमारे बायोस्फीयर में पानी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मतलब वाटर की केमिकल रिएक्टिविटी, उसका केमिकल रिएक्शन करने का तरीका। सबसे पहले वाटर व्हेन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रख लो, रिएक्शन करने की जरूरत भी नहीं। व्हेन वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, दैट इज अ वेरी वीक एसिड। व्हेन वाटर कंबाइंस विद हाइड्राइड्स, किसके साथ रिएक्ट करता है? H2O कैल्शियम हाइड्राइड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम हाइड्राइड के साथ, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक चीज ध्यान दें, जितने भी हाइड्राइड्स है इस पर आपकी दो एमसीक्यूज है। अगर आपको ऑप्शन में है कि गिवन हाइड्राइड में से कौन सा हाइड्राइड ऐसा है जो वाटर के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, मतलब ऑक्साइड नहीं बनाता है, तो वो कैल्शियम हाइड्राइड है। देखो ये ऑक्साइड नहीं बनाया, क्या बनाया? हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्राइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटर व्हेन रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बाइड, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में अल्काइन लेसन में पढ़ा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। यू टेक वाटर मॉलिक्यूल प्लस कैल्शियम कार्बाइड, आपको पता है कैल्शियम कार्बाइड क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड आपका बनता है एसिटिलीन, समझ में आ रहा है? प्लस आपका क्या रिमूव होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ पर यू हैव टू टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट क्या फॉर्मूला होता है सोडियम एसिटेट का? वाटर प्लस ये एसिटेट आयन प्लस सोडियम, सोडियम एसिटेट क्या बनेगा आपका? एच प्लस एनए, और इधर का बचा हुआ OH क्या बना? NaOH, मतलब आपका ये बेस यूज हुआ था, ये एसिड हुआ था ये सॉल्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट वाटर विथ मेटल, मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है H2O प्लस मेटल के, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी ध्यान से देखें, मैंने इधर वाटर लिया था प्लस मेटल लिया था, अब मैं मेटल का ही ऑक्साइड दे रही हूँ, मेटल का ही ऑक्साइड दे रही हूँ। इफ आई एम टेकिंग ओनली मेटल एटम और मेटल ऑक्साइड, दे बोथ फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टूड? या यू कैन टेक NaOH, दिस इज अ जनरलिज्म। नेक्स्ट नॉनमेटल्स, नॉनमेटल्स इफ यू टेक वाटर विद क्लोरीन इट गिव्स यू HCl, और विद कार्बन H2O, H2O आप बता सकते हैं पहले वाले लेक्चर में यूज हुआ है H2O प्लस C, क्या बनेगा इधर H2O प्लस C? CO प्लस H2, आपको पता होना चाहिए ये दोनों को बोलते हैं वाटर गैस, दैट इज योर सिन गैस। यूजेस ऑफ वाटर, आपको पता है वाटर का जो है इट इज अ, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर ह्यूमन बींग ओनली, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेनली यूज फॉर, आपको पता है इसका पर्पज, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स और लैंडस्केप, बहुत सारी जगह वाटर का इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग ये, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डिनरी वाटर, दैट इज योर H2O, वो वाटर जो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप में से पहले आइसोटोप से बनता है, दैट इज योर प्रोटियम, प्रोटियम से अगर बनता है तो वो आपका ऑर्डिनरी वाटर। अब हम लोग आते हैं हेवी वाटर, मैंने ये बात बोला क्यों था आइसोटोप वाली, हेवी वाटर क्या होता है? अगर आप इसी में ये आपका प्रोटियम है, अब मैं ड्यूटेरियम ले लूं और फिर वाटर बनाने की कोशिश करूं तो ये भी मेरा वाटर है, ये भी मेरा वाटर है, ये वाटर जो है मेरा हाइड्रोजन के पहले फर्स्ट आइसोटोप से बना है जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एक ही होता है। ये मेरा वाटर जो है,
ये आइसोटोप सेकेंड से बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास 2 होता है, दैट इज योर ड्यूटेरियम। इसको हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं क्योंकि ये हेवी हाइड्रोजन है, तो इस हेवी हाइड्रोजन से बनने वाले ऑक्सीजन को बोलते हैं हेवी वाटर। अंडरस्टूड? इट इज नोन एज हेवी वाटर। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय यूरे इन 1932। इट इज प्रेजेंट इन वेरी, मतलब अगर मैं बोलूँ ऑर्डिनरी वाटर में हम लोग अगर पहचानने जाएं कि हेवी वाटर कितना प्रेजेंट होगा तो बहुत कम। अगर 6000 पार्ट्स अगर ऑर्डिनरी वाटर के है तो उसमें से एक पार्ट क्या रहेगा, हेवी वाटर प्रेजेंट रहेगा। अब हेवी वाटर प्रिपेयर कैसा होता है, तैयार कैसा होता है, इफ यू टेक ऑर्डिनरी वाटर, और ऑर्डिनरी वाटर की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस ब्रेकडाउन करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर हम लोगों को क्या मिलने के चांसेस। इलेक्ट्रोलिसिस के साथ साथ एक चीज और बताते चलो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोग पढ़े होंगे 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर में, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसका, ऑर्डिनरी वाटर। नॉर्मल H2O होगा तो हम लोगों को क्या मिलता है, हेवी वाटर मिलता है। हेवी वाटर में बहुत सारे आइसोटोप किसके होते हैं, जैसा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, सेकेंड आइसोटोप से ये बनता है, उसी तरीके से ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप ऑक्सीजन 8, 16, 8, 17, 8, 18। तो उसमें से हेवी वाटर में कभी कभी ये ऑक्सीजन जो रहता है 8, 16 के अलावा 8, 17 भी यूज होता है। इसीलिए ये वाटर जैसे जैसे उसके आइसोटोप बढ़ते जाते हैं वो बनने वाला वो सब्सटेंस जो है हेवी कंसिडर किया जाते रहता है। इसीलिए हेवी वाटर में कभी कभी ऑक्सीजन का जो है सेकेंड और थर्ड आइसोटोप भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यू नो इट वेरी वेल कि अगर वाटर चाहे हेवी वाटर हो, चाहे हार्ड वाटर हो, चाहे ऑर्डिनरी वाटर हो, तो तीनों की खास बात क्या होती है, दे ऑल आर कलरलेस, ओडरलेस, स्ट्रेसलेस। लेकिन एक खास बात और सुनते चले, जितनी भी प्रॉपर्टी आप अगर वाटर के बारे में पढ़े, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स अगर आप देखें, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ इवोपरेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, जितने भी, तो हेवी वाटर की खास बात क्या होती है, हेवी वाटर जो है इन सब में हायर वैल्यू रखता है एज कम्पेयर टू योर वाटर, ऑर्डिनरी वाटर। D2O रिएक्शन देखते चले, जैसा आप रिएक्शन नॉर्मल वाटर की करते हैं एग्जैक्टली आपको रिएक्शन किसके जैसे करनी, किसकी करना है, हेवी वाटर की करना है, बट यू हैव टू टेक इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन डिटोरियम का D। फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस अगर होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलिसिस ब्रेकडाउन होगा तो D2 प्लस O2 रिएक्शन हम लोगों को बैलेंस कर देना। फिर उसके बाद सोडियम के साथ अगर होता है, तो मैंने इससे पहले भी बताया था अगर वाटर का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होगा तब भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम के ऑक्साइड के साथ, अगर मेटल ऑक्साइड के साथ बनेगा तब भी हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। वहां पर हम लोगों का बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, H2O, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम OD, हाइड्रोजन की जगह आपको ड्यूटेरियम लेना है, या प्रोटियम की जगह आपको क्या लेना है, ड्यूटेरियम लेना है। ओके, नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम, देखें ये रिएक्शन देखते चले, BaS बेरियम सल्फाइड के साथ क्या बनेगा, बता सकते हैं आप लोग आंसर? अगर आप नॉर्मल वाटर लेते तो आपका प्रोडक्ट बनता बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेरियम BaOD ट्वाइस। यूजेज ऑफ हेवी वाटर, हेवी वाटर का यूज होता है आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जब कभी कभी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो वहाँ पर एज अ मॉडरेटर या कूलेंट के तौर पर यूज करते हैं। बहुत सारी इसकी बहुत ट्रेस अमाउंट कहाँ यूज होता है, बहुत सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म में यूज होता है, ड्यूटेरियम कंपाउंड बनाने में यूज होता है, जो कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कहाँ यूज होते हैं हम लोगों के जर्मिसाइड और बैक्टेरियासाइड में। कम टू द पॉइंट, हार्ड वाटर। व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर में ये कहूँगी कि हार्ड वाटर जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप और ऑक्सीजन के आइसोटोप से नहीं बनता। हार्ड वाटर वो होता है कि जिस वाटर में परसेंटेज ऑफ कैल्शियम और परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, ये दोनों के आयंस अगर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो वाटर जो है अल्टीमेटली टर्न्स टू, दैट वाटर अल्टीमेटली टर्न्स टू व्हाट, हार्ड वाटर। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्री फॉर्म में नहीं होते, ये कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। अब ये किससे जॉइंट होते हैं, किससे कंबाइंड रहते हैं, बाइकार्बोनेट
क्लोराइड, सल्फेट्स, ये तीनों से जॉइंट रहते हैं कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर जो हार्ड वाटर में बोलूं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी रह सकता है, कैल्शियम क्लोराइड भी, कैल्शियम सल्फेट भी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि वाटर में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट रहे तो दैट वाटर विल बी योर हार्ड वाटर। ओके, अब कहाँ कहाँ इसकी खास बात क्या होती है हार्ड वाटर की, इफ़ यू अप्लाई सोप, अगर इसमें आप सोप अप्लाई करते हैं, सोप का फॉर्मूला आपको पता है, अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूँ तो आपके सोप का फार्मूला ये रहेगा, लेकिन मैं अगर कोई एग्जांपल लेना चाहूँ दैट इज C17H35 सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एन, ये एग्जांपल अगर मैं लूँ तो प्लस कैल्शियम या मैग्नीशियम आए। क्या काम होता है अगर हम लोग सोप साबुन इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, हार्ड वाटर में, आपको पता है बोरिंग वगैरह का पानी जब हम लोग यूज़ करते हैं और उस पर साबुन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर फोम या झाग या लेदर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि सोप का फॉर्मूला ये है, सोप में काम करने का प्रोसेस किसका होता है, सोडियम का। लेकिन जैसे ही हार्ड वाटर में सोप अप्लाई किया जाता है सोडियम आयन को कौन निकाल देता है, ये दोनों आयन निकाल देते हैं और उसके प्लेस पर आ जाते हैं C17H35C00O सोडियम हटिया, कैल्शियम हटिया, कैल्शियम की वैलेंसी दो थी, सोडियम की एक थी, तो यू हैव टू टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप, तो ये टू हो गया। अब इसको हम लोग जो बोलते हैं इसका बोलते हैं जब हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप के फॉर्मूले में एनी को रिप्लेस करके खुद उसके प्लेस पर आ जाते तो जो कंपाउंड बनता है उसको स्कम बोलते हैं, दैट इज योर ग्रीसी कंपाउंड, जिसकी वजह से वहाँ पर लेदर फॉर्म नहीं होता। अब हार्डनेस दो टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस जिसको हम लोग बहुत आसानी से बॉईल करके या उस वाटर को बॉईल करके उसकी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। वो हार्डनेस कैसे बनती है, अगर आपका कंपाउंड जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है किससे जुड़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट से जुड़ा हुआ है और उस वाटर में है, दैट इज योर टेम्पररी हार्डनेस, मतलब उसको बॉईल किया जा सकता है। अब परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या होता है, अगर आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है क्लोराइड और सल्फेट से जुड़ा है, क्लोराइड और सल्फेट से कंबाइन हुआ है, तो वो हार्डनेस जो आपकी रहेगी वो परमानेंट हार्डनेस रहेगी, लेकिन उसको भी दूर किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुने, परमानेंट हार्डनेस को आपको रिमूव करने के लिए यू हैव टू टेक सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 लेंगे तो अगर कैल्शियम से बना हुआ हार्ड वाटर है तो दैट टर्न्स टू कैल्शियम कार्बोनेट और आपकी जो हार्डनेस की प्रॉपर्टी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, क्लार्क्स प्रोसेस। परमानेंट हार्डनेस में सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है और टेम्पररी हार्डनेस में बॉइलिंग भी किया जा सकता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ किया जा सकता है। टेम्पररी हार्डनेस में यू हैव टू बॉइल करना रहेगा या फिर यू हैव टू ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं क्लार्क्स का प्रोसेस। ओके, अगर परमानेंट हार्डनेस है तो यू हैव टू टेक सोडियम कार्बोनेट उसकी हार्डनेस को कम करने के लिए। ओके नेक्स्ट, और उसके अलावा हम लोग लेकिन उसके जरिए रिमूवल ऑफ बोथ टाइप ऑफ हार्डनेस इज अफेक्टेड बाय, दोनों टाइप की हार्डनेस जो है अफेक्टेड होती है किसके जरिए, जियोलाइट और रेजिन्स के जरिए। कम टू द पॉइंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, आपको पता होगा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन परऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, H2O2 उसका फॉर्मूला है, उसी के बेस पर उसका नाम बना है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका फॉर्मूला H2O2। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज सिमिलर टू योर वाटर H2O, खाली एक ऑक्सीजन ज्यादा है इसीलिए इसका दूसरा नाम है ऑक्सीजनेटेड वाटर। और ये जो है मेडिकल वगैरह में या स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल वगैरह में जो है यूज होता है, अप्लाई होता है एक अलग नाम से जिसको हम लोग बोलते हैं पर हाइड्रोल। अगर आप जाकर मेडिकल में बोलते हैं आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा, ये उसका नाम है, रेगुलर यूज में आने वाला नाम है। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है, वाटर से सिमिलर है लेकिन वाटर का स्ट्रक्चर कैसा, बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसा रहेगा। H O O H
यू कैन टेक ऐसा भी ले सकते हैं. बुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा आप लोगों का ये, या यू कैन टेक ऐसा बुक लाइक स्ट्रक्चर. इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं. बुक खुली हुई किताब की जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसमें फर्क है. अगर मैंने ये गैशियस फॉर्म में लिया तो यहाँ पर जो बीच में एंगल बन रहा है 1.5 डिग्री का रहेगा. अगर मैं इसको गैशियस फॉर्म से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, सॉलिड फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ सॉलिड फेज में, तो बीच का जो एंगल रहेगा मेरा 90.2 डिग्री का हो जाएगा. समझ में आ रहा है आपको? यानी कि मैं सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, गैशियस फॉर्म में था जो बहुत फ्री फॉर्म में था, तो बीच के जो एंगल था वो बहुत एक्सपांड हो गया था. एक्सपांड होकर 111.5 डिग्री बनाया था. वहीं पर अगर वो सॉलिड में कंप्रेस हो जाएगा तो बीच का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कम हो जाएगा. प्रिपरेशन हम लोग किससे किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, यू कैन टेक सोडियम परऑक्साइड Na2O2, सोडियम परऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड Na2O2 प्लस H2SO4, वो भी क्या बना सकता है, हाइड्रोजन योर हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकते हैं. बेरियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बेरियम ऑक्साइड Ba(O)2 ले सकते हैं. तो विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान से रिएक्शन सुनते जाए, सोडियम परऑक्साइड Na2O2 प्लस H2SO4 वो भी आपको बनाएगा H2SO4 और बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा. बेरियम ऑक्साइड भी आपको दे सकता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. आप ध्यान से सुनते चले, सबका रिएक्शन जो है हम लोग एसिड के साथ करा रहे हैं, तो हम लोगों को मिल रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड. बेरियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस CO2 ये भी हम लोगों को क्या प्रिपेयर करेगा, H2O2. और एक चीज़ और, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl anthraquinol. ये क्या होता है, अगर हम लोगों को हाइड्रोजन परऑक्साइड इंडस्ट्रियल वे में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो ये मेथड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl anthraquinol. इसमें क्या होता है, अल्टरनेट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है. देखिए रिएक्शन, इसका क्या, ऑटो ऑक्सीडेशन. टू इथाइल है ना, या यू कैन टेक टू इथाइल ना, तो हम लोग इस रिंग से कंसिडर करके चल रहे हैं. इसका क्या बोल रहा है, और ऑक्सीडेशन अल्टरनेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मुझे दोनों लेना पड़ेगा. ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं हम लोग, और क्या करा रहे हैं, पैलेडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन भी करा रहे हैं. तो देखिए क्या बनता है हम लोगों को, बस H2O2. ये रिएक्शन मैंने क्यों कराया, क्योंकि ये इसका कमर्शियल मेथड है, बहुत ज़्यादा जो है ये यूज होता है इसके प्रिपेयर करने के लिए. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी जो जितने भी बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है. और एक चीज़ और, अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको पता हो हम लोग नॉर्मली ब्लू कलर का सोल्यूशन हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं फॉर यूज एज एंटीसेप्टिक के तौर पर, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का कलर ब्लू, लाइट ब्लू होता है. इसका बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है. एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है, हम लोगों का वाटर जो होता है दैट इज़ योर पैरा मैग्नेटिक, और मैग्नेटिज्म इसकी किस क्या होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की डायमैग्नेटिक. हाइड्रोजन परऑक्साइड किससे प्रिपेयर किया जा सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है हम लोग किसके किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं. अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को मैं ब्रेक डाउन कर दूँ या फिर उसको मैं हीट करूँ H2O2, तो इट फर्स्ट ब्रेक्स इनटू H2O प्लस O2. रिएक्शन हम लोगों को बैलेंस कर लेना है, H2O प्लस O2 टूटता है अगर ये, या हीट होती है तो वाटर मॉलिक्यूल बनाता है. NaOH के साथ करेगा तो सोडियम हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा. NaOH के साथ NaOH2 तैयार करता है, प्रिपेयर करता है. अगर अगेन NaOH के साथ करेगा, देखिए दो तरीका होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो NaOH2 बनाएगा सोडियम हाइड्रोपरऑक्साइड, और एक बार और दूसरे मेथड से अगर NaOH से रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर बनाएगा सोडियम परऑक्साइड. और अगर अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन ध्यान से सुने,
H2O2 प्लस अल्कीन, अल्कीन में अगर मैं पहले एग्जांपल ले लूँ इथाइन, तो इट गिव्स यू ग्लाइकॉल, समझ में आ रहा है, ग्लाइकॉल या फिर डायहाइड्रोल भी बोल सकते हैं आप लोग, ग्लाइकॉल। ब्लीचिंग एजेंट, अगर किसी ब्लीचिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर इसका क्या होता है, इसका सेम वाटर प्लस ऑक्सीजन जो कि क्या कर देता है बाद में कलर्ड मैटर को कलरलेस कर देता है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं चले। दूसरी प्रॉपर्टी मतलब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से सुनते चले। अब किसके किसके साथ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है और किसके किसके साथ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 रिएक्ट्स विद Ag2O। Ag2O इज व्हाट? Ag2O मेटल ऑक्साइड। Ag2O मैं अभी जो बता रही हूँ वो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बता रही हूँ कि किसके किसके साथ वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड फर्स्ट रिएक्ट्स विद Ag2O, इट गिव्स यू मेटल। जाहिर सी बात है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है तो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो हम लोगों को प्योर मेटल मिलेगा, दैट इज योर मेटलर्जी प्रोसेस। अगेन H2O2 रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स HCl। H2O2 रिएक्ट्स विद K2Cr2O7। व्हाट इज K2Cr2O7? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर H2O2 जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है और K2Cr2 खुद जो है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2SO4 बनाता है। नेक्स्ट, अगर ये जो है ऑक्सीजन के साथ, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है H2O2, ओजोन H2O2, इट फॉर्म्स O2 गैस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बता रहा है, यानी इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। H2O2 रिएक्ट्स विद लेड सल्फाइड PbS, तो क्या बनाता है, लेड सल्फेट प्रिपेयर करेगा, PbSO4। नेक्स्ट इज FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe2SO43 बनाएगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ पोटेशियम सल्फेट प्रिपेयर करेगा। उसके बाद K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा तो CrO5 ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा। ओके, उसके बाद अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड में कॉन्सेंट्रेशन मालूम करना मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन दो एक रहेगा हम लोगों को परसेंटेज मालूम करना। परसेंटेज कैसे मालूम किया जाता है, परसेंटेज अगर मालूम करना है आपको, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, दैट इज परसेंटेज जितना भी आपको अमाउंट ऑफ H2O2 है डिवाइडेड बाय 100 ml। ओके, अब दूसरा मेथड है कॉन्सेंट्रेशन मालूम करना, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी में। तो हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं, सी अगर मोलैरिटी फॉर्मूला ध्यान से सुनते चले। अगर मोलैरिटी है, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी, ये फॉर्मूला लिखते चले, नॉर्मैलिटी मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। तो मोलैरिटी के लिए एक्स क्या, एक्स अपॉन 11.2, याद रखें एक्स इज जीरो। वॉल्यूम मैं लिख देती हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और यहाँ पर भी एक्स अपॉन 5.6 वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आपको पूछता है कि कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछेगा और नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी दी जाएगी, तो एक्स को यही रहने देना और इसको मल्टीप्लिकेशन में इधर लेकर आ जाना। अंडरस्टूड? ओके, सी नेक्स्ट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको पता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो है, इस पर भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो है ब्लैक जो है बॉटल में रखा जाता है, ब्लैक बॉटल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डीकम्पोजिशन, वो बहुत फास्ट डीकम्पोज होता है। इसको यूज़ किया जाता है जर्मिसाइड और एंटीसेप्टिक के तौर पर। आपको पता है मैंने बताया कि हॉस्पिटल वगैरह में एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ होता है, जख्म वगैरह जो है उसको वॉश करने के लिए, साफ करने के लिए। इसका डायलूटेड सॉल्यूशन बहुत सारी कहाँ यूज़ होता है, ब्लीचिंग और ब्लीच करने के लिए, उस सब्सटेंस के कलर को या तो रिमूव कर देने के लिए या उसे कलरलेस बना देने के लिए। कहाँ कहाँ, कॉटन में, वूल में, सिल्क में, हेयर वगैरह में। इट इज़ यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में, सबसे बेस्ट जो है सोडियम परऑक्साइड की प्रिपरेशन में। आपने कैरोज एसिड, मार्शल एसिड ये सब पढ़ा था, इनके प्रिपरेशन में यूज़ होता है। और प्रोपेलेंट के तौर पर, फ्यूल प्रोपेलेंट के तौर पर रॉकेट में यूज़ होता है। आपको पता है प्रोपेलेंट मतलब होता है मोहर्रिक जो स्टार्ट करा दी, वहाँ पर यूज़ होता है एज अ प्रोपेलेंट। और एंटी क्लोर टू रिमूव क्लोरीन, और एंटी क्लोर के तौर पर भी यूज़ होता है टू रिमूव क्लोरीन।
अंडरस्टूड, ये हमारा था पूरा हाइड्रोजन चैप्टर, अब हम लोग इसके एमसीक्यू देखेंगे। सर स्टॉप है, मैं एमसीक्यू स्टार्ट करूँगा। एमसीक्यू ओके, हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू पार्ट पर। फर्स्ट एमसीक्यू मैं पढ़ के बता रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बहुत ध्यान से सुने, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आता है तो ध्यान से सुने, वर्ड क्या बोल रहा है, इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब जो गलत है, सही नहीं है। नॉट अगर भूल गए तो आप करेक्ट ढूंढते चले जाएंगे। ओके, द रेशियो ऑफ ऑर्थो टू पैरा हाइड्रोजन वेरीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे आप कम ज्यादा करते जाए, वो ऑर्थो और पैरा का हाइड्रोजन के आइसोटोप आपने पढ़ा था, एलोट्रॉप्स, उसमें पैरा हाइड्रोजन ऑर्थो हाइड्रोजन पढ़ा था, दोनों का जो है परसेंटेज जो है कम ज़्यादा होते रहता है, मतलब ये सही है। द रेशियो ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन एट 300 केल्विन एंड इज अबव इज 3:1, आपने देखा था 75 और 25, मतलब ये भी सही है। प्योर पैरा हाइड्रोजन कैन बी ऑप्टेन, पैरा हाइड्रोजन ऑप्टेन किया जा सकता है उसको कूलिंग करने पर, सही है। प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन कैन बी ऑप्टेन बाय हीटिंग, आपको पता है जब मैंने पैरा और ऑर्थो बताया था आपको फर्स्ट में क्या बोला है कि विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो अभी तक तीनों सही है। चौथा क्या बोला है कि प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन कैन बी ऑप्टेन, आगे का सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसमें बोल रहा है प्योर ऑर्थो हम लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऑर्थो प्योर फॉर्म में हासिल नहीं कर सकते कितना भी टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए, यानी योर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स है, हाइड्रो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, इनमें कौन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कौन सी प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें से कौन सी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इनकरेक्ट है। पहला क्या बोला, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ग्रेटर देन ड्यूटेरियम ग्रेटर देन ट्रिटियम, व्हाट कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पर, परसेंट रिलेटिव अबंडेंस। जाहिर सी बात है ना, मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही बताया था इसका अबंडेंस सबसे ज्यादा है और यहाँ पर भी वही दिख रहा है, मतलब ये करेक्ट है, हम लोगों को ढूंढना है इनकरेक्ट। हाइड्रोजन लो लेसर देन ड्यूटेरियम लेसर देन ट्रिटियम, जाहिर सी बात है ट्रिटियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये भी सही है। हाइड्रोजन लोअर देन ड्यूटेरियम लोअर देन ट्रिटियम बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है ये भी सही है, ट्रिटियम की जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन की सबसे कम होता है। चौथा पूछ रहा है, हाइड्रोजन बड़ा है ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम बड़ा है ट्रिटियम से, किस बेस पर, मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन का होता है, ये पता रहना चाहिए, तो दैट इज योर ऑप्शन फोर। द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है लिथियम की कितनी बोला, लिथियम लिथियम की कितनी बताया है यहाँ पर 520, और नेक्स्ट इज योर हाइड्रोजन 1312, योर नेक्स्ट इज फ्लोरीन 1680, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबव, लिथियम का इतना कम होना और हाइड्रोजन और फ्लोरीन का अप्रोक्सीमेट सेम होना, इसके पीछे कौन सी, इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है। देखें, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, ये हो सकता है क्या, नहीं है, वो तो रूम टेम्परेचर मतलब कि अगर वो लिक्विड स्टेट में रहेगा तो क्या इसके बराबर हो जाएगा, नहीं, उसकी इतनी ही रहेगी। हाइड्रोजन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड लाइक हैलोजन, हैलोजन के जैसे बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। हाइड्रोजन हैज 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 1s1 है, इसीलिए अगर 1s1 है तो इसके जैसा मैच क्यों नहीं करता, इससे इतना डिफरेंस क्यों है, तो पॉइंट कौन सा आएगा, हाइड्रोजन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, क्यों इतना फर्क है हाइड्रोजन का इससे, और हाइड्रोजन क्यों इसके बिल्कुल नियरेस्ट है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में एबिलिटी होती है कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की, किसके जैसे, हैलोजन जैसे। हाइड्रोजन गैस इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द, आपने पढ़ा है बहुत सारा मेथड पढ़ा था, विद मेटल ऑक्साइड है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारे उसमें से पूछा है, सबसे बेस्ट मेथड जनरली कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो इसमें दिया एक्शन ऑफ स्टीम ऑन रेड हॉट कोक, रिएक्शन ऑफ प्योर जिंक विद डाइल्यूटेड H2SO4, हम लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं था प्योर जिंक,
प्योर जिंक बोला ही नहीं था, रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने, आपको याद हो जब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है चाहे मेटल से चाहे मेटल ऑक्साइड से, उस वक्त मैंने आपको बोला था एसिड लेना है और एसिड जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें डाइल्यूटेड सिर्फ एक जगह यूज हुआ है, रिएक्शन ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक विद डाइल्यूटेड H2SO4, मतलब ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर जब यूज होती है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, हाइड्रोजन गैस जो है बहुत सारी जगहों पर यूज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा किस जगह पर इस्तेमाल होती है, H2SO4 की प्रिपरेशन में, C2H2 की प्रिपरेशन में, मार्गरीन के प्रिपरेशन में, कि वाटर के प्रिपरेशन में। मार्गरीन मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही बताया था, यहाँ पर मार्गरीन जो है घी है, या वेजिटेबल फैट्स भी बोल सकते हो आप लोग, ये उसके प्रिपरेशन के लिए है। नेसेंट हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ, नेसेंट हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन नॉर्मली जो है हम लोग डायटोमिक फॉर्म में लेते हैं H2, है ना। नेसेंट मतलब आई एम टेकिंग ओनली वन हाइड्रोजन एटम, मतलब और आपको पता होना चाहिए कि नेसेंट को लिखा ऐसा लगता है ब्रैकेट में, ये सिंगल मोनो एटॉमिक हो गया। यहाँ पर पूछा नेसेंट हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ क्या रहता है या उसमें क्या पाया जाता है या क्या कंसिस्ट करता है वो। हाइड्रोजन एटम विद एक्सेस एनर्जी, हाइड्रोजन एटम होता है उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद एक्सेस एनर्जी, क्या आपको ये मॉलिक्यूल दिख रहा है। हाइड्रोजन आयंस इन एक्साइटेड स्टेट सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स, नहीं ये H2 को आप ब्रेक कर रहे हो H और H में, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं किया था, प्रोटॉन बनेगा कैसे। उसके बाद बोल रहा हाइड्रोजन आयंस, लॉस ही नहीं किया उसने इलेक्ट्रॉन, तो आयंस कैसे बनेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या आपको ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, नहीं इट इज अ मोनो एटॉमिक, तो ऑप्शन क्या रहेगा, हाइड्रोजन एटम विथ एक्सेस एनर्जी। नेक्स्ट देखें क्या बोल रहा है, 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विथ, ये न्यूमेरिकल जैसा MCQ है, क्या बोल रहा है, 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद किसके साथ, H2SO4 एंड NaOH। क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड के साथ और NaOH बेस के साथ। क्या बोल रहा है, जाहिर सी बात है ये जब इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो क्या लिबरेट करता है, क्या खारिज करता है, क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट में बाहर निकलती है, वो अमाउंट आपको नहीं बताना है, आपको रेशियो में बताना है। रेशियो समझ में आता है आप लोगों को, रेशियो में कैसे बताना है, सी एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 क्या बनेगा आप लोगों का, Al2SO4 थ्राइस, यानी आपका सल्फेट 3 Al2 2, तो यहाँ से हाइड्रोजन कितने निकले, 3H2। नेक्स्ट इस किसके साथ बोल रहा है, Al प्लस NaOH, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2 प्लस H2, जाहिर सी बात है NaAlO2 हो गया, इधर NaAlO2 You have to take 2, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ, 2 Na2AlO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ओके यहाँ पर देखें 2OH, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आप लोगों को, 2NaOH, 2Na2Al, वो कितना है, वो भी बैलेंस है, H बैलेंस है क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखें H बैलेंस है। हाँ अगर मैं देखूँ NaOH के, NaOH जो है ध्यान से सुने, H2SO4 जो है एक्वेस नहीं लिया गया था, NaOH क्या लिया गया था, एक्वेस लिया गया था, समझ में आ रहा है आपको, एक्वेस लिया गया था। तो यहाँ पर जो H2 2H और 2H H2 टोटल 3H2 लिया गया था, 3H2, ध्यान से सुने, NaOH जो है एक्वस फॉर्म में लिया गया है, पानी में डिजोल्व करके लिया गया है, तो पानी में जब डिजोल्व करेंगे तो वहाँ से भी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी ना, तो टोटल लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी 3H2, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी 3H2। अगर मैं लिखूँ 3H2
इसका रेशियो 3H2 3H3 के कैंसिल, तो रेशियो कितना आएगा 1:1, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट देखते जाए हाइड्रोजन एटम इन विच टोटल न्यूक्लियर स्पिन इज जीरो. आपको पता है पैरा और ऑर्थो में पैराफॉर्म और ऑर्थोफॉर्म, ये ऑर्थो है, ये दोनों अपोजिट स्पिन कर रहे हैं. देखिए ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ, दोनों का स्पिन अपोजिट है, ये सेम स्पिन है. तो पूछ रहा है किसमें स्पिन और रोटेशन जो है जीरो हो जाएगा. जाहिर सी बात है इसमें जीरो होने के चांसेस नहीं है, ऑर्थो में पैरा का स्पिन जो है वो जीरो हो जाएगा. व्हाट टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय एन एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च. मैंने आपको कल बताया था ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च या हाइड्रो एटॉमिक ऑक्सी टॉर्च जो बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन जो है, उसके लिए टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्या होता है. यहाँ पर बोला है 1000 से 1500 डिग्री, 2000 से 2500 डिग्री, 500 से 1000 डिग्री या 3500 से 4000 डिग्री. हम लोगों ने वहाँ पर जो पढ़ा था वो 2500 डिग्री से 4000 डिग्री तक था. यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 3500 डिग्री से 4000, इन बिटवीन है ना, उसके बीच में है ना, तो ऑप्शन ये रहेगा. वट इज मोर फॉर हाइड्रोजन दैन डिटोरियम. डिटोरियम हाइड्रोजन में डिटोरियम से इन चारों में क्या ज़्यादा होता है. हाइड्रोजन के पास डिटोरियम के कंपैरिजन में दूसरे आइसोटोप के मुकाबले में पहले वाले हाइड्रोजन में क्या ज़्यादा पाया जाता है. डिसोसिएशन एनर्जी, दोनों में से वो डिसोसिएट जल्दी होता है क्या. बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वेपराइजेशन हाइड्रोजन में, अब याद रखें हाइड्रोजन अगर प्रोटियम फॉर्म में है या फिर 1:1 फॉर्म में, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, तो उसमें क्या खास बात पाई जाती है ड्यूटेरियम के मुकाबले में कि उसका वेपराइजेशन वो इवोपरेट बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि हेवी होने की वजह से, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से उसका जो ड्यूटेरियम का वेपराइजेशन स्लो होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. हाउ मच हाइड्रोजन कैन डिजॉल्व टू द मैक्सिमम इन 5 लीटर वाटर एट 273 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर. हाउ मच हाइड्रोजन कैन डिजॉल्व टू द मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन डिजॉल्व कर सकते हैं इन 5 लीटर वाटर. 5 लीटर पानी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हाइड्रोजन डिजॉल्व कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा हूँ, सॉरी एब्सोल्यूट 273 केल्विन. 273 केल्विन पर हम लोग, आपको याद होना बताती चलो, 273 केल्विन जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस पर, या यू कैन से 0 डिग्री सेल्सियस उस पर अगर मैं नापने के लिए जाऊँ कि कितना हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर तो 5 लीटर बोला है, लेकिन ध्यान से सुनते चले, 5 लीटर हो चाहे 2 लीटर हो चाहे 10 लीटर हो, वाटर हमेशा उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन का अमाउंट जो रहेगा 100 ml रहेगा. समझ में आ रहा है, पहली बात तो बताते चलो, बहुत हम लोगों ने जब पढ़ा था तो ये देखा था कि हाइड्रोजन बहुत कम, बहुत स्लाइटली सोल्यूबल होती है वाटर में. अगर बहुत स्लाइटली सोल्यूबल, बहुत ही कम सोल्यूबल है, तो मैं अगर पानी 2 लीटर लूँ चाहे 5 लीटर लूँ, उसमें जो डिजॉल्व हाइड्रोजन का वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी योर 100 ml. समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है. CO+H2 क्या बोल रहा है कि रिएक्शन कंप्लीट करें, मुझे आंसर बताएं तो आप लोग ये इसका. CO+H2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्या बोल रहा है, जिंक ऑक्साइड और कॉपर. ऑक्साइड और कॉपर क्या बनेगा, HC क्या क्या बनने के चांसेस है. HCOH, नेक्स्ट चीज ये C3O2, CO2 CH3OH, मीथेनॉल बनेगा. तो क्या बन सकता है, ये बनेगा क्या, नॉट पॉसिबल. हाइड्रोजन कहाँ गया, ये भी नॉट पॉसिबल. हाइड्रोजन कहाँ गया, ये बनेगा क्या, बन सकता है, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मुझे 2 ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर 2 करना पड़ेगा तो फिर कार्बन दूसरा कहाँ गया. देखिए ये बनेगा, ये क्यों बनेगा, सी एक H3OH, एक कार्बन एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4. अगर कभी आपको ऐसा आता है कि जो गिवन रिएक्शन है उस गिवन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है आपको जो रिएक्शन दी गई है उस रिएक्शन में
कोई ना कोई जो नंबर ऑफ मोल है वो कम रहता है जो कि आपको बैलेंस करना रहता है. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, ऑन बर्निंग हाइड्रोजन इन एयर, जब हाइड्रोजन को एयर में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, द कलर ऑफ फ्लेम, जाहिर सी बात है कलर ऑफ फ्लेम क्या निकलेगी आपको पता होना चाहिए, ब्लूइश कलर की होती है, ये कंबस्टिबल गैस है. द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर प्रपोर्शन इन वाटर गैस इज, एक एमसीक्यू आई है जो वाटर गैस में ज़्यादा ज़्यादा कौन कौन सी गैसों का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है आपको पता होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और किसका, एच टू का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. सलाइन हाइड्राइड, आपने पढ़ा था हाइड्राइड की पहली एग्जाम्पल, सलाइन हाइड्राइड्स आर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं सलाइन हाइड्राइड्स. इसमें से पूछा है कौन सा गलत है, तो ये पहला वाला सही है. आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, जाहिर सी बात है क्रिस्टलाइन होते हैं. नेक्स्ट है द मेल्ट्स ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स आर नॉन कंडक्टिंग, जाहिर सी बात है अगर आप आयनिक हाइड्राइड्स ले रहे हैं और मेल्ट्स, जब वो मेल्ट होता है या वो फ्यूज फॉर्म में है उस वक्त वो नॉन कंडक्टिंग होता है, ऐसा बोल रहा है कि बताती चलो कि अगर आयनिक हाइड्राइड सॉलिड फॉर्म में है तो उस वक्त उसका कंडक्शन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो मेल्ट हो गया, वो फ्यूज हो गया है, उस वक्त वो कंडक्शन कर सकता है, ये कंडक्शन कर सकता है वो. और यहाँ पर बोला है कि वो नॉन कंडक्टिंग हो जाता है, यानी गलत हो गया ना. अगर ये ऐसा होता द मेल्ट्स ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स आर कंडक्टिंग तो ये फिर से सही होता, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग, वो कंडक्ट नहीं कर सकता. क्यों? वो सॉलिड फॉर्म में तो नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो मेल्ट फॉर्म में, मेल्ट फॉर्म में वो कंडक्ट कर सकता है. अगर ये कंडक्ट कर सकता है तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉन कंडक्टिंग तो ये फॉल्स है. हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक, नाइट्रोजन का हाइड्राइड आपको पता है, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन अगर किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है N2H2, अगर वो N2H2 के साथ हाइड्राइड बना रहे तो क्या वो एसिडिक रहेगा? नहीं. देखें एग्जाम्पल सुने, N2H2, N2H4, अमोनिया, NH3 बेसिक नेचर का होता है आपको पता रहना चाहिए, अमोनिया, N3H को हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड. ये ज़्यादातर नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, एक हाइड्राइड जो है N3H जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, दैट इज योर हाइड्राजोइक एसिड. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कोवेलेंट, इनमें से कौन से कंपाउंड्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं. बेरीलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ऑल आर आयोनिक, नॉट पॉसिबल. इसमें से पूछा है कौन कोवेलेंट ज़्यादा बनाते हैं, कौन कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा शो करते हैं, तो ऑल आर आयोनिक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है कोवेलेंट तो उसमें से ऑल आर आयोनिक कैसे हो सकते हैं. तो कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड और बेरीलियम हाइड्राइड. तो बेरीलियम की आपको बता दें चलूँ कि हम लोगों ने जब आयोनिक हाइड्राइड पढ़ा था, ध्यान से सुने, आयनिक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट हाइड्राइड, उस वक्त मैंने बोला था आपको कि मेटल हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन जो है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और आयनिक कंपाउंड बनाता है एक्सेप्ट बेरीलियम. समझ में आ रहा है? बेरीलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों के साथ ये आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, यानी ये दोनों के साथ कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते. अब कोवेलेंट हाइड्राइड बेरीलियम के साथ भी बनाता है, मैग्नीशियम के साथ, मतलब दोनों का हाइड्राइड कोवेलेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन मोर कोवेलेंट रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक दोनों में से किसकी ज़्यादा रहेगी, तो बेरीलियम की ज़्यादा रहेगी, बिकॉज इट्स हैज वेरी शॉर्ट स्ट्रक्चर, बहुत छोटी साइज होने की वजह से. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी हाइड्राइड, जब इनमें से चारों में से कौन है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या नहीं बनाता, हाइड्राइड नहीं बनाता. एंड फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी हाइड्राइड, बेरीलियम कार्बाइड BeE2C जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड नहीं बनाता, मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है हाइड्राइड नहीं बनाता, पूछ रहा है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 नहीं बनाता, कैल्शियम फॉस्फाइड नहीं बनाता. इसमें से आंसर सुनते चले, CaH2 आंसर रहेगा, क्यों ऐसा, CaH2 बोला है, इनमें से कौन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड नहीं बनाता, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 नहीं बनाता, क्योंकि ये डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. मैंने आपको रिएक्शन कराते वक्त बहुत ज़्यादा उस पर जोर देकर बताया था कि ये आंसर रहेगा. नेक्स्ट,
हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाउ मेनी क्वेश्चन सुने, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल जो है, हाउ मेनी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट. यू नो द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2. मतलब उसमें क्रिस्टल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप देखें कॉपर सल्फेट को हीट करके देखें, जो ब्लू कलर होता है उसमें अब इवोपोरेट हो जाएगा और वो क्रिस्टल एंड फॉर्म जो है वो अमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. आप थोड़ा सा एक ड्रॉप वाटर वापस से और ब्लू कलर भी उड़ जाएगा. अब उसमें एक ड्रॉप वाटर ऐड करके देखें, वो ड्रॉप जैसे ही वाटर उसमें ऐड होता है दैट वाइट कलर अल्टीमेटली टर्न्स टू ब्लू कलर, ब्लू कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पर पूछ रहा है कॉपर सल्फेट में जो 5H2O मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, उसमें से कॉपर सल्फेट में CuSO4.5H2O में जो 5H2O है उसमें से कॉपर सल्फेट से कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहता है पानी का, तो 4 हाइड्रोजन. ध्यान से सुने, कॉपर सल्फेट में कॉपर से 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक हाइड्रोजन जो है सल्फेट से जुड़ा होता है. क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 5H2O में कितना हाइड्रोजन सल्फेट से जुड़ता है और कितना कॉपर से जुड़ता है, तो 4 हाइड्रोजन कॉपर से जुड़ता है, 1 हाइड्रोजन सल्फेट से जुड़ता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलगोन, कैलगोन CALGON, CALGON. कैलगोन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अमेरिकन ब्रांड है, एक ब्रांड का नाम है. क्या काम करता है? वाटर सॉफ्टनिंग कंपाउंड्स बनाते हैं. कैलगोन यूज एज अ वाटर सॉफ्टनर इज, ये वाटर सॉफ्टनर के तौर पर यूज होता है, अमेरिकन ब्रांड है, मोस्टली डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है. अब इसमें पूछा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुने. इसमें जो यूज होने वाला सब्सटेंस है और उसका फॉर्मूला क्या है, Na2Na4 PO36 हो गया. ये इसमें यूज होता है कैलगोन में फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हार्ड वाटर, मोस्टली हार्ड वाटर पर जब अप्लाई किया जाता है. सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इसका नाम है. ये याद रखते चले, कैलगोन जो है एक अमेरिकन ब्रांड है, फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर यूज होता है. नेक्स्ट, वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क प्रोसेस. आप मुझे बता सकते हैं कि क्लार्क का जो प्रोसेस होता है, क्लार्क प्रोसेस, हम लोगों ने वाटर हार्डनेस ऑफ, दो टाइप की हार्डनेस देखी थी, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस. तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है, परमानेंट हार्डनेस को भी कुछ हद तक रिमूव किया जा सकता है. तो यहाँ पर पूछा है क्लार्क का प्रोसेस, क्लार्क का प्रोसेस जो है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज हुआ था. तो वहाँ पर ये पूछ रहा है कि वहाँ पर जो है हार्डनेस को कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो दोनों ही जगह नहीं यूज़ करे थे हम लोग, ना तो टेम्पररी में ना परमानेंट में. सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं, पोटाशियम एलम नहीं यूज़ होता है. आपको बताना चाहिए पोटाशियम एलम भी जो है वो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए यूज़ होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुआ था, मैंने वहाँ पर बोला था आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है. व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और एक क्वेश्चन देखते चले, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट पर किलोग्राम ऑफ वाटर. समझ में आ रहा है? यहाँ पर ध्यान दें, क्या पूछा है, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ द सैंपल. आपको मालूम करना है डिग्री ऑफ हार्डनेस किसी, मालूम करना है सैंपल की ऑफ वाटर कंटेनिंग, किसी भी पानी में हार्डनेस का जो है वो डिग्री मालूम करना है कितने में. उसमें 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट दिया है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 120 पर किलोग्राम ऑफ वाटर. पर किलोग्राम ऑफ वाटर आपको एक किलोग्राम नहीं लेना है, 1000 मिलीग्राम लेना है, सॉरी 1000 ग्राम. किस में निकालने के लिए बोला है, ppm में निकालने के लिए बोला है. देखिए 24 ग्राम ऑफ
24 ग्राम या 24 मिलीग्राम, मिलीग्राम दिया है ना, 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है 1000 ग्राम में। आपको पीपीएम में मालूम करना है 10 to 6, 10 to 6 पीपीएम में बोला है 6 ग्राम ऑफ वाटर। क्या आएगा आंसर आप बता सकते हैं मुझे? किसे बताएंगे? 10 to power 6 इसको ऐसा नहीं क्या 10 to power 3 कट गया, 10 to power 3 आया, 10 to power 3 और 24 मिलीग्राम, 24 मिलीग्राम और 10 की कुआ 3 मिलकर कितने बने? 24 ग्राम, 120 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन में कितना बोला है? मॉलिक्यूलर मास 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट को 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम का, तो 24 ग्राम पूछा गया था आप लोगों को, व्हाट इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर। यहाँ पर जो है आपको हार्डनेस मालूम करने बोला है, तो आपको हार्डनेस जो है दो चीजों से मालूम की जा सकती है, हार्डनेस मैग्नीशियम सल्फेट का ऑलरेडी आपको मालूम हो चुका है, आपको डिग्री अगर मालूम करना है तो यू हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस। तो 120 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस जो है 100 ग्राम होती है, तो 24 ग्राम अगर मैग्नीशियम 24 ग्राम या 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट रहा तो कितना रहेगी नहीं पता, 100 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 120 कितना आएगा? 20 ppm। आपको पहले क्या करने का था, वो जो मिलीग्राम था ना वो मिलीग्राम को कन्वर्ट करना, मिलीग्राम जितना था वो 1000 में दिया गया था, आपको ppm में निकालना था, ppm में जो है वही 24 मिलीग्राम जो है आपको कितने में मिला? 24 ग्राम में मिला। अब आपको निकालना था कि मैग्नीशियम सल्फेट इतना है और 120 में मैग्नीशियम सल्फेट 100 रहता है, तो 24 ग्राम अगर मैग्नीशियम सल्फेट है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा? दैट इज योर 20 ppm। क्या बोले? आ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, सॉल्ट हूज सॉलिबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, हार्डनेस जो प्रिपेयर या हार्डनेस जो बढ़ाते हैं इनमें, इन चारों में से जो सॉल्ट हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं और बढ़ाते हैं वो सॉलिबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस, वाटर में उनकी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होते जाती है, मतलब कि आपके पास वाटर है, वाटर हार्ड वाटर है, ये चारों वाटर से, ये चारों सॉल्ट वाटर में मिले हुए हैं जिनकी वजह से वो वाटर हार्ड है। अब पूछा जा रहा है इन चारों में से टेम्परेचर किसका इंक्रीज करेंगे या सबका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किसकी सॉलिबिलिटी जो है वो कम होते जाएगी, सॉलिबिलिटी कम होते जाएगी मतलब वो क्रिस्टलाइन बनते जाएंगे। तो ध्यान से सुने, इसमें बोला है CaCl2 या कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोला है। तो ध्यान से सुने, कैल्शियम क्लोराइड इन सब की, ये चारों में सॉलिड जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मतलब आप क्या कर रहे हैं उसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो जो अंदर हार्ड वाटर में जो सॉल्ट है ना वो टेम्परेचर जैसे जैसे उसको मिलते जाएगा वो और सोल्यूबल होते जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? तो कोई एक तो ऐसा है जो सोल्यूबल नहीं होगा बल्कि से वो क्रिस्टल बनते जाएगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे। आपको पता होना चाहिए सॉलिबिलिटी जो है एक और तरीके की होती है जिसमें टेम्परेचर जो है आप इंक्रीज करते हैं ना, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं कि उनकी सॉलिबिलिटी कम होते जाती है, दे टर्न्स टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, तो उसमें से एक सॉल्ट ऐसा है जो क्रिस्टलाइन बनते जाता है, दैट इज योर कैल्शियम सल्फेट। Which of the following has greater degree of hardness? इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा hardness इनमें present है? सबसे पहली बात तो बता दूँ कि bicarbonate वाली अगर hardness है, अगर कोई calcium और magnesium है और bicarbonate के साथ है तो वो temporary hardness होती है। यहाँ पर पूछ रहा है किसकी degree of hardness बहुत ज़्यादा होती है, तो water with 1 mg calcium carbonate per liter, एक लीटर में 1 mg कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर विथ 1 mg मैग्नीशियम क्लोराइड पर लीटर, वाटर विथ 1 mg मैग्नीशियम सल्फेट पर लीटर। मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की जब हार्डनेस में
बोलूँ आप लोगों को तो हार्डनेस बढ़ाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम, लेकिन पूछ रहा है किसकी किस कंपाउंड की हार्डनेस जो है और ज़्यादा होती है, तो क्लोराइड फॉर्म में, सल्फेट फॉर्म में और बाइकार्बोनेट फॉर्म में। तो बाइकार्बोनेट नहीं ले रहे हम लोग यहाँ पर, वो मोस्टली टेम्पररी हार्डनेस बताता है। तो अब बात आती है कि मैग्नीशियम और क्लोराइड, मैग्नीशियम और कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट में से किसमें ज़्यादा डिग्री ऑफ हार्डनेस बताते हैं। तो मोस्टली मैग्नीशियम की जो हार्डनेस लेवल होता है मैग्नीशियम की, वो ज़्यादा होती है। अब मैग्नीशियम की हार्डनेस लेवल ज़्यादा होती है तो वो तो क्लोराइड से भी कन्वर्ट कम्बाइन हो सकता है और सल्फेट से भी कम्बाइन हो सकता है। मोस्टली सल्फेट की हार्डनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके नेक्स्ट देखिए, वेल जियोलाइट और आ सिक्स वॉल्यूम सैंपल ऑफ H2O2 73 वाला देखें, अ सिक्स वॉल्यूम सैंपल ऑफ H2O2 सिक्स वॉल्यूम बोला है, अ सिक्स वॉल्यूम सैंपल ऑफ H2O2 मतलब क्या, कैसे लिखेंगे इसको, विल कंटेन 6% वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ H2O2, विल कंटेन 6% वेट पर वॉल्यूम ऑफ H2O2, ये एक क्वेश्चन है ना, हाँ, would give 6 volume of oxygen per unit volume of H2O. क्या बोल रहा है, 6 volume sample of H2O2 का 6 volume sample मतलब क्या, 6 volume, ये 6 volume क्या होता है, 6 volume मतलब क्या होता है पता है, ये जो volume की बात होती है ना H2O2 को लेकर, that is your percentage of O2. अगर आप volume निकाल रहे हैं H2O2 में या तो वो mostly किसका होता है, percentage of your oxygen. वुड गिव 6 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2, यानी ये जो 6 वॉल्यूम बात हो रही है ये क्या हो सकता है, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ O2, O2 का वॉल्यूम है किसमें, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर मैं बोलती 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन या 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब क्या होता है, 10 वॉल्यूम जो ये 10 वॉल्यूम यूज हुआ है ना, ये 10 वॉल्यूम पर ऑक्सीजन है किसमें, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। Next, a diluted solution of hydrogen peroxide is labeled as 20 volume. Its percentage strength is, percentage strength कितनी रहेगी किसकी, diluted solution of hydrogen peroxide. आप लोगों को formula पता है, volume strength upon 5.6. Hydrogen, certain percentage of H2O2. सर्टेन परसेंटेज ऑफ H2O2 इज मार्क एज 100 वॉल्यूम। मोस्टली जब ये वॉल्यूम की बात होती है ना, तो ये वॉल्यूम जो रहता है क्या रहता है, नंबर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड इट मीन्स दैट 1 लीटर ऑफ दैट परसेंट गिव्स 100 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। द परसेंट इज व्हाट, परसेंट जो बोला गया वो क्या रहेगा, दैट इज योर 30% सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, हंड्रेड सी एम क्यूब ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ H2O2, H2O2 का 100 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल है, गिव्स 1000 cm³ ऑफ O2। मैंने लिया है 100 cm³ सैंपल किसका, H2O2 का, और उसमें मुझे मिलने के चांसेस है क्या, 1000 cm³ O2 STP पर। तो ये दोनों के बीच में जो द गिवन सैंपल इज, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कितने परसेंटेज का बोल रहा है। अब ध्यान दें, 100 cm³ और 1000 cm³ क्या रिलेशन रहेगा, 10% H2O2, H2O2 जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 10% है क्या, हाँ 10%, 90% H2O2, H2O2 90% है, ये तो सिरे से रॉन्ग है, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है। 10 वॉल्यूम H2O2 और 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2 क्यों ये सही रहेगा, 10 वॉल्यूम H2O2। अब अगर देखें 1000 और 100 में परसेंटेज अगर मैं बात करूं, तो परसेंटेज कैसे रहेगा, 1000 का कितना परसेंट, 100 कितना परसेंट होगा, 10%। तो 10% के हिसाब से यू हैव टू कैलकुलेट इन वॉल्यूम 10 वॉल्यूम, अंडरस्टूड। ये न्यूमेरिक, ये MCQ से किसके, हाइड्रोजन चैप्टर के लास्ट में जो MCQs थे वो न्यूमेरिकल बेस थे, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल बेस, न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, इसके बहुत इजी होते, आपको ध्यान से करना है। मोस्टली आपको
नॉर्मैलिटी मोलैरिटी आता है, वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम में अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड पूछता है तो वो वॉल्यूम ऑक्सीजन का होता है, और कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने बोल सकता है, मोस्टली आपके हार्डनेस पर पूछ सकता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, और हेवी वाटर, हेवी वाटर पर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, और ये क्वेश्चन आपको इस पर बॉन्ड एंगल पर आ सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन बहुत है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, मोलैरिटी अगर है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको कैलकुलेट नहीं करना है, दो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मोलैरिटी मालूम करना है तो फॉर्मूला वैसे ही रहने देंगे, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ मालूम करना है तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 11.2, सेम चीज़ नॉर्मैलिटी के लिए है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6, इसके जरिए आप लोग दो चीज़ मालूम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको मैच द फॉलोइंग आ सकती है, मैच द फॉलोइंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सॉल्व करें, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी पर, उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, थैंक यू।